मैं अपने फैमिली के साथ भी नहीं था, तो मैं तो अपने आप को संभाल ही नहीं पाया। जब मुझे किसी का फ़ोन आया मेरे फ्रेंड का कि ऐसे ऐसे आप पे लाइफ बैन लग गया, तो मैं शॉक था कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे विश्वास भी नहीं हुआ। कोर्ट के डिसीज़न के बाद तो एक होप, मतलब एक होप नहीं, बहुत बड़ी होप हो गई थी कि अब मुझे लगा था कि मेरे सपने फिर दोबारा पूरे होंगे, मैं दोबारा ही अपनी क्रिकेट चालू करूँगा, IPL खेलूँगा, कंट्री के लिए सोच रहा था मैं। बट ये जो हार्ड डिसीज़न है, तो मैंने कभी सोचा नहीं था ना मेरी फैमिली ने कि ऐसा भी कुछ होगा। मैं एक एप्लीकेशन दूंगा BCCI को कि प्लीज़ ये जो आपने डिसीज़न लिया इसके बारे में दोबारा एक बार ज़रूर सोचें, क्योंकि मुझे ऊपर वाले पर बहुत भरोसा है, मेरी फैमिली है और मेरे साथ मेरी फैमिली और सबसे बड़ा भगवान। मतलब मुझे लगता है कि आज आप यहाँ खड़े हो, मुझे लगता है कि दोबारा आप लोग ही आओगे कि वही गुड न्यूज़ लेके, मुझे ऐसा लगता है, मेरे अंदर गट फीलिंग है कि भगवान मेरे साथ है और इतना गलत नहीं कर सकता भगवान।